अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो अपना 37वां जन्मदिन मना रहे होते। सुशांत सिंह राजपूत का आज जन्मदिन है, इस मौके पर नम आंखों के साथ फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और साथ ही सुशांत के इंसाफ की मांग भी एक बार फिर से उठने लगी है। वहीं दूसरी ओर परिवार की बात करें तो परिवार के लिए आज काला दिन साबित हो रहा है। जहां आज हंसी खुशी के साथ परिवार सुशांत सिंह का जन्मदिन मनाता तो वहीं आज परिवार की आंखें नम हैं। वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह केस की दोबारा फाइल जहां खुलने वाली थी तो इस केस की फाइल अब खुलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने ये बात कही थी कि सुशांत सिंह की फाइल को दोबारा खोला जाएगा, मगर अभी इस पूरे मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। एसआईटी की बात भी कही गई थी मगर एसआईटी की जांच भी सामने नहीं आई है। अब वहीं दूसरी ओर अगर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की बात करें तो ना तो रिया चक्रवर्ती ने उस समय कोई अपनी प्रतिक्रिया दी थी और ना ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जन्मदिन पर कोई प्रतिक्रिया दी। तकरीबन आधा दिन बीत गया, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को याद नहीं किया। मगर जैसे ही रिया चक्रवर्ती को ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू किया और सवाल पूछने लगे कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती भूल चुकी हैं, इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के लिए एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में भी सुशांत सिंह के लिए रिया चक्रवर्ती ने कुछ खास लिखा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के केस से अब दरकिनार होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में फैंस रिया पर यही सवाल दाग रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती का प्यार केवल एक दिखावा था, केवल एक दिखावे के लिए और पैसों के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के साथ अपने सभी संबंधों को रखा था और जैसे ही सुशांत सिंह का निधन हुआ रिया सुशांत को अब भूल चुकी हैं।